ये लोग मिले हैं किसी तरीके से मिले हैं, मेरे ख्याल से ये राज श्रद्धा के साथ चला गया है। ये अभी कहानियाँ हैं ये हमारे लिए कि ये लोग जॉब प्लेस से मिले हैं या ये लोग किसी डेटिंग साइट पे मिले हैं, आज ये सिर्फ कहानियाँ हैं। आज हमारे मन में ये ख्याल है कि कुछ हुआ जिसमें श्रद्धा बदल गई। श्रद्धा एक बहुत एक्टिव लड़की थी और वो कुछ दिनों बाद मुरझा सी जाती है, मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, वो 2018 के पहले 2015 से 18 तक बहुत तेज़ लड़की थी, 2019 से मुरझा सी जाती है। अचानक क्या ऐसा बदलाव आ गया ये लड़के के आने के बाद? अच्छा, तो आफ्ताब क्या उसको मारता पीटता था जी, या जी, मारपीट के बाद? शुरुआत में बहुत अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 2019 आते 19 में पता चला रिलेशनशिप के बारे में। शुरुआत में अच्छा सुनाई पड़ रहा था, फिर कुछ ही दिनों के बाद ये पता लगने लगा कि श्रद्धा बताने लगी कि वो मारता है और वो काफ़ी वायलेंट है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या ये ऐसा कभी श्रद्धा ने बताया कि उसके बहुत लड़कियों से संपर्क हैं और ये शक करता था, या इन दोनों के बीच में ये भी डिस्प्यूटेड बात हुई करती थी, ये कोई जानकारी सामने आई? नहीं, श्रद्धा ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चेहरा बहुत मासूम सा दिखता है, लेकिन ये मासूम चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ राज हमेशा छुपा होता है। एक इंसान जो बातें करता है, शायद उसकी बातों से हम जान सकते हैं वो क्या व्यक्तित्व है, लेकिन जो नहीं करता है आप उसके अंदर झांक के नहीं जान पाएंगे कि उसके मन में क्या है। क्या कभी आपके बारे में श्रद्धा ने कहीं बताया कहाँ रहता है? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन वसई में ही रहता था आफ्ताब, और आफ्ताब को काफ़ी लोग मिले भी थे। हाँ। और फैमिली से कभी आफ्ताब ने मिलाया नहीं किसी को, आफ्ताब खुद ही आता था। यही हमारी मानसिकता है अक्सर, हम समाज में किसी दोस्त से मिलते हैं, हमारे अंदर सबसे पहला अप्रोच होता है पॉजिटिव, हम किसी को शक के नज़र से नहीं देखते हैं, तो ये अप्रोच ही शायद आज महंगा पड़ गया हमारे लिए। आप श्रद्धा के लिए जस्टिस का डिमांड दे सकते हैं? मुझे दुख होता है, मैं ये श्रद्धा के लिए जस्टिस चाहिए मुझे। इसके पहले मैंने एक और मेरी दोस्त खोई थी, ऐश्वर्या अग्रवाल, विरार वेस्ट में गोकुल टाउनशिप का जो केस था, उसके बाद आज फिर श्रद्धा के बारे में भी सुनने को मिल रहा है। अब मैं सरप्राइज था तब जानकर कि ऐश्वर्या अग्रवाल के मर्डरर्स को सज़ा नहीं हुई, वो वापस अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज भी मुझे कॉल आता है ऐश्वर्या अग्रवाल के पिताजी का कि मुझे और डिटेल्स दो, आज भी तड़प रहे हैं वो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा श्रद्धा के साथ भी हो दोबारा ऐसा आज कुछ केस। मतलब मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं अपने दो दोस्तों के बारे में सुनता हूँ, एक को बेरहमी से काटा जाता है, दूसरी को काट के उसके हिस्से जंगल में फेंक दिए जाते हैं। मेरे इतना बदनसीब आज कोई नहीं होगा।